अभंग समावेशित विशेष शिक्षक और परिचय समायोजन प्रतीक्षा को लेकर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समन्वय समिति ने अपनी मांग करते हुए विधानमंडल पर आंदोलन छिड़ा गया। आज दिन बड़े आंदोलन किए जा रहे इसी श्रृंखला में आज हम आपको बता दें कि ये वही टी पॉइंट है नागपुर का, जहां पे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समन्वय समिति के ये तमाम लोग पूरे राज्य से आए हुए सरकार की अपना ध्यान आकर्षित करने के ये लोग आए हैं। आखिरकार इन जो ये तमाम जो शिक्षक इन्हें क्या ऐसे कौन से समस्याएं हैं जिसके चलते ये लोग आए, हम जानना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में इस महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समन्वय समिति की अध्यक्ष मैम है हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। मैम ये बताइए कि क्या तकलीफ है आपको और क्या सरकार से मांग करने जा रही है आज? सर सरकार से मांग तो हमारी एक है कि हमारा समायोजन किया जाए। 10 साल हो गए हम ये सर्विस कर रहे हैं, ये सर्विस में हमको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। शासन हमको एक बार बोलता है कि हम कर देंगे, 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 1.5 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, ऐसे करके पूरे 10 साल निकल गए हैं। ये 10 साल में यहाँ तक कि कोर्ट ने आदेशित किया है कि इनका समायोजन करके इनका जो थकित वेतन जो वेतन बचा है हमारा पूरा का पूरा, ऐसे तो पूरा वेतन ही बचा हुआ है, तो वेतन जल्दी से जल्दी अदा करें। वो कोर्ट का निर्णय 2016 को आया था, आज 2019 है, फिर भी वो निर्णय के ऊपर भी कोई भी अधिकारी ने एक्शन नहीं लिए। हमारे 1358 शिक्षक है और परिचर भी है, उनमें से 13 शिक्षकों ने तो आत्महत्या कर ली है। तो इतना आत्महत्या करने के बाद में भी ये भी चीज सरकार को कोई मायने नहीं रखती है, ये मरे जिंदा रहे कुछ भी करे, डिवोर्स हो चुके हैं और फैमिली थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम भी चल रहा है। अब आप बताएं मैडम आपकी प्रमुख मांग क्या है? हमारी प्रमुख मांग समायोजन है और हमारे जो थकित वेतन है वो हमें मिलना चाहिए। अगर आपकी मांगों को सरकार दरकिनार करती है, मांगे आपकी मंजूर नहीं होती है, तो अगली रणनीति आपके समिति द्वारा क्या होने वाली है? हम दिखा देंगे कि विशेष शिक्षक क्या चीज है, सबको बता देंगे कि ये जो 13 लोग मर चुके हैं उनकी मौत खाली नहीं जाएगी, और हम बता देंगे उनको कि हमारा थकित वेतन और हमारा समायोजन हम लेके रहेंगे। इस समय में तमाम मंत्री ये कार्यक्रम आपको गौर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ऐसे तमाम मंत्रियों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि हमने आपको यहाँ पे बिठाया है, तो आप ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये विशेष शिक्षक जो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, 10 साल हो गए उनके बारे में सोचिए, उनकी फैमिली के बारे में सोचिए, खुद सो थोड़ा सोचिए कि इतने दिन वो लोग कैसे जी रहे हैं। कुछ लोग पान ठेला चला रहे हैं सर, कुछ लोग बेचारे टैक्सी चला रहे हैं स्कूल के बाद, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या हाल है उनका, कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग को दूसरे टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा है, थोड़ा सोचिए और हमारे पर दया करिए और हम अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक हमको दीजिए। मैडम आज बताइए कहाँ से आए सब लोग? कुछ लोग अमरावती से आए हैं सर, कुछ लोग पूरे महाराष्ट्र से, सभी तरफ से आए हैं जो जो अपने यूनिट पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम शिक्षक लोग हैं जिन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि इनकी मांगों को दरकिनार किया है, जिसके चलते 13 शिक्षकों ने पिछले समय में आत्महत्या भी की थी। ये काफ़ी बड़ी एक बहुत बड़ा एक ये दर्द है, सरकार इनकी बातों को नज़रअंदाज कतई न करे, इनकी भावनाओं को समझे, इनके कामकाजों को समझे। ये तमाम महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में रख के आई हुई है, अपने कामकाज इनके काफ़ी प्रभावित हुए, 2 वक्त का खाना भी इन्हें नसीब नहीं हो रहा, बेरोजगारी का आलम है। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर दूसरी ओर शहर की ऐसी जो बेटियाँ हैं आज इनको खस्ता हाल हुई है, इनको काफ़ी प्रभावित हुई है इन बातों से और इनको कड़ा सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ध्यान दे, चाहे महिला हो या पुरुष टीचर्स, इनके कामकाज है, इनके मांगों को पूरा करे, यही समय की मांग है। लोकतंत्र में जीने वाले इन लोगों के साथ ये जो भद्दा मजाक अब तक के बार हुआ है, ये अब ना हो, इनको सही मायने में न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, यही शहर के आंदोलनकारी और ये टीचर्स कहते हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।